एंड ना ही कोई हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन हाय, आई एम प्रिया। आई मेक आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड वीडियोस व्हिच आई पोस्ट ऑन एवरी फ्राइडे। सो मूविंग ऑन, आज हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जो कि बहुत ही इजी है एंड इसे कोई भी बना सकता है। इसको करने के लिए ना तो आपको पेंटिंग या ड्राइंग स्किल्स की ज़रूरत है एंड ना ही कोई स्पेसिफिक कलर मीडियम की। आज हम ट्राई करने वाले हैं मिनिमलिस्टिक आर्ट। आप ये सोच रहे होंगे कि ये लड़की जिसको डिटेल्स इतना पसंद है वो मिनिमलिस्टिक आर्ट कैसे कर सकती है। सो गाइज, एक्चुअली मैं बनाने तो कुछ और वाली थी, बट somehow I didn't like the idea, somehow I didn't like the artwork, and after making two failed attempts, I finally wanted to relax. And that is how I thought ki kyun na main minimalistic art try karu. I feel relaxation is much needed for everyone. So without further ado, let's start the video. सबसे पहले minimalistic art के लिए मैंने एक color paper लिया है। आपके पास जो भी paper available हो आप वो ले लेना। अब मैं इसमें कुछ रैंडम शेप्स पेंट करूंगी यूजिंग डिफरेंट कलर्स। वैसे ज़रूरी नहीं है कि डिफाइंड शेप हो एंड डिफरेंट कलर्स हो। आपको जैसा शेप पेंट करना है वैसा पेंट करो एंड सेम कलर रखना है तो सेम कलर रखो। गाइज रिमेंबर, हम यहाँ पर परफेक्शन टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर रिलैक्स करने वाले हैं। सो डोंट टेक टेंशन अबाउट शेप्स, कलर्स एंड एवरीथिंग। मैंने शेप्स पेंट कर लिए हैं। अब मैं लाइन आर्ट का यूज़ करते हुए एक गर्ल का फेस बनाऊंगी। मैं डायरेक्टली पेन से ड्रॉ करूंगी। आप चाहो तो पेंसिल से ड्राफ्ट बना लो एंड देन मार्कर या पेन यूज़ कर लेना। ऊप्स, इसकी नाक कुछ ठीक सी नहीं बनी। लगता है मुझे भी पेंसिल से पहले ड्रॉ कर लेना चाहिए था। चलो कोई ना, अब मैं इसको करेक्ट करूंगी लाइन को मोटा बनाते हुए। गाइज, आपके पास अगर मार्कर हो तो वो यूज़ कर लेना। मेरे पास नहीं था तो आई यूज़ ब्लैक जेल पेन। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक गाइज। सेकेंड मिनिमलिस्टिक आर्ट के लिए अगेन मैंने एक कलर पेपर ले लिया है। अब मैं इस पे लीव्स पेंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। हेयर आई एम यूजिंग वेरियस शेड्स ऑफ ब्लू एंड ग्रीन कलर टू पेंट लीव्स। मैं डायरेक्टली ब्रश से लीव्स पेंट करती जा रही हूँ। आपको पहले ड्राइंग करनी हो एंड देन पेंट करना हो तो आप वो भी कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि डायरेक्टली पेंट करो एज वी आर मेकिंग दीज टू एंजॉय, तो पेंटिंग प्रोसेस को सिंपल रखते हैं। ओहो, दिस इज सो थेरेपेटिक। बहुत ही मज़ा आ रहा है इसे पेंट करने में। जितना ज़्यादा कलर शेड यूज़ करोगे उतना अच्छा लगेगा। मैंने पेंट कर लिया है सारे लीव्स। अब मैं इसमें थोड़े आउटलाइंस ऐड करूँगी ताकि ये और भी प्यारी लगे। आउटलाइंस के लिए मैं कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स का यूज़ कर रही हूँ ताकि आउटलाइन निकल के आए। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक गाइज। आई एम सो हैप्पी विद द फाइनल आउटकम। थर्ड मिनिमलिस्टिक आर्ट के लिए मैंने एक पर्पल कलर का पेपर लिया है जिसको मैंने राउंड कट कर लिया है। आपका जैसा मन वैसा कट कर लेना या फिर स्क्वायर ही रहने देना। अब मैं वाइट जेल पेन का यूज़ करते हुए कुछ कुछ डूडल कर रही हूँ। पहले मैंने बनाया है यहाँ पे स्पेक्स। जैसा कि मैंने कहा कि डूडल कर रही हूँ तो परफेक्ट बनाने की कोशिश नहीं करूँगी। अब मैं कुछ और एलिमेंट्स ऐड कर देती हूँ, बट बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं ऐड करूँगी। तो ये कुछ ऐसी दिखती है। आई फील इसमें एक मोटिवेशनल कोट लिख देती हूँ। गाइज, मैंने तो सारी चीज़ें ऑन द फ्लाई सोची और ऐड करती गई, तो आपका जैसा मन आप भी वैसा कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम बनाना है। टडा, दिस इज द फाइनल लुक। हमारे फोर्थ मिनिमलिस्टिक आर्ट के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ कलरफुल पेपर्स। आप चाहो तो पेंट भी कर सकते हो। मैं इन कलरफुल पेपर्स का यूज़ करते हुए एक लैंडस्केप सीनरी बनाने वाली हूँ जिसमें सन होगा, माउंटेन्स होंगे। पहले मैं इन एलिमेंट्स को अपने कलर्ड पेपर पे ड्रॉ कर लेती हूँ। सबसे पहले ड्राइंग करूँगी सन की। लास्ट DIY के जार का कैप का यूज़ करते हुए राउंड शेप ड्रॉ कर लेती हूँ। अब इसी तरीके से मैंने डिफरेंट कलर्ड पेपर से माउंटेन के शेप्स ड्रॉ कर लिए हैं एंड अब इनको कट कर लूँगी। सो फाइनली मैंने सारे पीसेस कट कर लिए हैं एंड अब इनको मैं प्लेस करके ड्राफ्ट रेडी कर लूँगी। दिस सीम्स गुड गाइज। अब इनको स्टिक करना है अपने ड्राफ्ट के हिसाब से। कुछ एक्स्ट्रा पेपर हो तो कट कर दो। एंड दिस इज द फाइनल लुक। था ना सुपर इजी। ओके गाइज, दिस इज इट फॉर द वीडियो। आई होप इस वीडियो ने आपको थोड़ा तो रिलैक्स ज़रूर किया होगा। गाइज, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना।
अगर आप मेरे कोई भी आर्टवर्क को रिक्रिएट करते हो तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर टैग करना। आई वुड लव टू सी योर रिक्रिएशंस। मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे, बाय। मैं डायरेक्टली आप चाहो तो, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल।